शहर माना जाता है, एक ऐसी अलग दुनिया मानी जाती है जिसके बारे में आम इंसान हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानने की चाह रखते हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार बी टाउन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी चमकदार जो है कि हर इंसान उसकी तरफ खिंचा ही चला जाता है। ना जाने कितने ही लोगों की आंखों में फिल्म इंडस्ट्री में जाने के सपने होते हैं, लेकिन ये सपने हर किसी के पूरे नहीं हो पाते। कभी कभी इंसान इन सपनों की चाह में अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर लेता है, लेकिन कभी कभी इंसान उन ऊंचाइयों को छू लेता है जिसके बारे में उन्होंने कभी शायद सपने में ना सोचा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप। बॉलीवुड गॉसिप में हम हमेशा बात करते हैं कि इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी क्या खास बातें हो रही हैं जिसको लेकर बाहर चर्चाएं हो रही हैं। आम लोगों के बीच वो कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है, वो कौन सी स्टार है जो आते ही सारी सुर्खियां, सारी लाइमलाइट, सारी चर्चाएं बटोर लेती हैं। इस तरह की तमाम खबरें हम आपको इस खास प्रोग्राम में बताते हैं। तो वहीं आज हम आपको कुछ ऐसी ही बात बताने वाले हैं। बता दें दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी खूबसूरती का डंका ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बजता है। हाल ही में ऐश्वर्या ने कहा है कि वो एक्टिंग से जरा ब्रेक लेकर डायरेक्ट का काम करना चाहती है, यानी डायरेक्टर बनना चाहती है ऐश्वर्या राय बच्चन। और वहीं उनके इस फैसले में उनके पति अभिषेक बच्चन का हाथ बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐश्वर्या कितनी जल्दी एक्टिंग का काम छोड़कर फिल्म को डायरेक्ट करती हैं। इस तरह की तमाम गॉसिप्स हो रही हैं बी टाउन में। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की फिल्म मन मर्जिया, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है, इस फिल्म में एक अलग ही किरदार में नजर आने वाले हैं अभिषेक बच्चन। और उनके इस किरदार की गॉसिप्स भी लगातार ही बी टाउन से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है। इतना ही नहीं, आजकल तो स्टार्स जो पहले कभी नजर नहीं आती थी, जैसे अगर बात करें एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की, जो फिल्म आशिक बनाया आपने में काफी ग्लैमर अवतार में नजर आई थी, इस फिल्म के बाद उनको कम ही फिल्मों में देखा गया। वहीं हाल ही में जब तनुश्री दत्ता को स्पॉट किया गया तो उनका अवतार बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आया था। वही एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा भी इसी लिस्ट में शामिल है, जो फिल्मों में भले ही नजर ना आती हूँ लेकिन अपने ग्लैमर्स को लेकर अक्सर ही गॉसिप्स का विषय बन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे ही गॉसिप्स के बारे में बताने वाले हैं जो जरा चटपटी हैं और जिसे सुनना आपके लिए भी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है। उनकी खूबसूरती से लेकर उनकी एक्टिंग का डंका ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बजता है। साथ ही साथ बता दे, हाल ही में ऐश्वर्या ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि अब वो एक्टिंग नहीं करना चाहती बल्कि वो अब किसी और ही चीज में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। दरअसल हाल ही में ऐश्वर्या ने कहा है कि वो अब अपने निर्देशन का काम करना चाहती हैं। गौरतलब है कि उनके इस फैसले में उनके पति अभिषेक का ही हाथ है। तो ऐश का कहना है कि वो निर्देशन के इस काम को पूरी लगन के साथ करेंगी, इस काम को वो पूरा समय देंगी और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आधे अधूरे मन से इस काम को करेंगी। अब तो ये साफ है कि ऐश इस काम के लिए अपना पूरा मन बना चुकी हैं। तो देखना ये होगा कि कितने जल्दी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने सपने को पूरा करती हैं। एक्टर अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल के साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म मन मर्जियां बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। फिल्म के चर्चे यूं तो पिछले काफी समय से हो रहे थे, लेकिन हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो फैंस का इंतजार करना बेहद मुश्किल है। ट्रेलर देखने के बाद अब ये तो हर किसी को पता लग गया होगा कि फिल्म में एक लव ट्रायंगल है जो चलता है एक्टर विक्की कौशल, तापसी पन्नू और अभिषेक बच्चन के बीच में। एक्टर विक्की कौशल और तापसी पन्नू जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन तापसी की शादी हो जाती है अभिषेक से, जिसके बाद होती है असली कहानी शुरू। बता दें कि फिल्म में जहां अभिषेक बिंदास लुक में नजर आ रही हैं, तो वहीं तापसी ने भी अपने बोल्ड नेचर से फिल्म में जान डाल दी है। वहीं विक्की कौशल ने फिल्म में सारी कमी पूरी कर दी है। अब ये तो साफ है कि फिल्म बड़े पर्दे पर खूब धमाल करने के लिए तैयार है, जो 14 सितंबर को फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाली है।
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जो अपने एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। काफी समय में ही अनुष्का ने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, अनुष्का तो वो बड़ी स्टार बन चुकी हैं जिन्होंने काफी कम समय में ही तीनों खान के साथ काम कर लिया है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से शादी करने के बाद तो उनको और भी ज्यादा लाइमलाइट मिल चुकी है। साथ ही साथ बता दें कि हाल ही में अनुष्का की वजह से विराट कोहली को ट्रोल होना पड़ा। दरअसल इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर है और इस दौरान अनुष्का उनके साथ रही हैं। तो वहीं बीसीसीआई ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की है जिसमें विराट अनुष्का के साथ बिल्कुल आगे खड़े नजर आए हैं। बस इसी बात के लिए दोनों को ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये बीसीसीआई की तस्वीर है, कोई फैमिली फोटो नहीं है। तो साथ ही कुछ का कहना है कि बाकी टीम मेंबर की पत्नियां इस फोटो में क्यों दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ अनुष्का ही क्यों है। तमाम तरह की यही बातें दोनों को बोली जा रही हैं और विराट कोहली को काफी ट्रोल किया जा रहा है इसी बात पर। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शर्लिन को उनके ग्लैमरस अवतार के लिए जाना जाता है। भले ही वो फिल्मों में नजर ना आती हो लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए तो उनका ग्लैमरस अवतार ही काफी है। हाल ही में एक बार फिर से शर्लिन को स्पॉट किया गया सन एंड सैंड होटल में। इस दौरान जब मीडिया उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही होती हैं तो मीडिया से ही सवाल करने लग जाती हैं शर्लिन। दरअसल बता दें कि शर्लिन पूछती हैं कि वो लोग वहां पर क्या कर रही हैं जो उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास वीडियो में शर्लिन के ये सवाल जवाब जब वो मीडिया से करते हैं इस तरह के सवाल। सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में उन चटपटी गॉसिप्स के बारे में जो इन दिनों खूब की जा रही हैं। अब इन गॉसिप्स में ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर उनके पति देव अभिषेक भी शामिल हो चुके हैं। वहीं उन एक्ट्रेस से भी हम आपको रूबरू करा चुके हैं जो लाइमलाइट से दूर जा चुकी हैं, लेकिन जब नजर आई हैं इन दिनों तो खूब उनका बदला हुआ अवतार भी नजर आया है। लेकिन दोस्तों बता दें कि हमारे बी टाउन में सिर्फ यही स्टार्स ऐसे नहीं हैं जो गॉसिप्स का विषय बने हुए हैं, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो भले ही लाइमलाइट में नज़र ना आते हों लेकिन अक्सर ही चर्चा का विषय बन जाते हैं कि आखिरकार ये स्टार्स कर क्या रहे हैं, आखिरकार ये स्टार कहाँ है। तो वहीं अपने ये लाइमलाइट छोड़कर ये स्टार्स कहाँ जा बसे हैं, अक्सर ही इस तरह की बातें होती रहती हैं बॉलीवुड सितारों के बारे में। वेल दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा करते हैं कि फिर से जरूर लौटेंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।